बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होने पहुंची बीना विधायक निर्मला सप्रे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, ना ही विधानसभा में किसी तरह का हलफनामा दिया है। जल्द ही विधानसभा में पर्दाफाश करूंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में बीना से विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब निर्मला सप्रे ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आज प्रदेश भाजपा कार्यालय संगठन की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे शामिल होने पहुंची, जिसके बाद निर्मला सप्रे ने कहा कि मैं सदन की सदस्य हूँ, बीना के हित में फैसला लूंगी, मैं वर्तमान विधायक हूँ। उन्होंने आगे कहा कि इंतजार कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। बताना चाहती हूँ कि मैं बीना के हित में निर्णय लूंगी। जो मुझे सदन में जवाब मांगा है मैं उसका जवाब सदन में देने वाले दूंगी। बिल्कुल सदन में आप मैं जवाब कब दूंगी। अच्छा की सदस्य हूँ, आप सबसे बोल दी, मैं एक सदन की सदस्य हूँ, मेरा राइट मैच हूँ, अभी वर्तमान विधायक हूँ। अब सदन में चूंकि आप सभी ने मेरे लिए जवाब नहीं किया था, सदन में नेता प्रतिपक्ष मेरे सामने जवाब करते हैं, मैं उनका उत्तर उन्हीं के लिए दूंगी। तो बहुत जल्दी बस इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन हाल ही में विधानसभा को उन्होंने हलफनामा दिया था कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब इस पर राजनीति होनी तय मानी जा रही है कि आखिर निर्मला सप्रे किस पार्टी से हैं। निर्मला इस पर खुलकर कुछ कह भी नहीं रही है। ये किसने कहा कि मैंने ये जवाब दिया है? आपको उसकी कॉपी मिली है क्या? आप तो ये देखिए, चूंकि आप कहते हैं कि मीडिया तीसरी आंख होती है, बिना जवाब की कॉपी लिए मेरे से सवाल मत करिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारी गलतफहमियां हैं। अगर नेता ने अगर मेरे को जवाब दिया है तो मैंने जवाब मांगा है तो मैंने उनको जवाब दिया है। जो आपको रहा है वैसा कुछ तो आप कांग्रेस। बता दें कि बीजेपी में 10 नवंबर से संगठन के चुनाव शुरू होंगे। पहले बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर संगठन चुनाव होंगे। इसे लेकर बीजेपी ने मंथन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समेत कई दिग्गज बैठक में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।